जैसे मेरा कैरेक्टर है हिरनी का बहुत ही बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, तो जैसे बाबूजी इस कॉस्ट्यूम में आए मैं तो बहुत एक्साइट हो गई। गज बेचारी डर गई, तुम डर गई? बहुत डर लगा हम सब फैमिली मेम्बर्स को, हमने कभी दादू कैसे नहीं देखा है। बहुत अजीब सिचुएशन है इस टाइम पे। तो मैं तो मुझे डांस का बहुत शौक है, तो जैसे ही बाबूजी ने ठुमका लगाया तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं भागी और मैंने भी ठुमका लगाना शुरू कर दिया। तो हिरनी जी, बाबूजी के अंदर क्या भूत आ गया है या उनको मुजरा उजरा करने का शौक लगा? ये एक्चुअली हम भी कंफ्यूज रहे कि भूत आया है कि उनको मुजरे का शौक, लेकिन जो भी हुआ है हमें बड़ा मुझे तो मजा आया। ये मुझे बहुत डर लग रहा है, एक्चुअली मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी सी बच्ची है ना, इसके लिए इट्स ओके, वो होता है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप खुद वो भी मुजरा करना शुरू कर देगी। हसीना जान आपसे सीखकर अब डर के भाग तो नहीं रही वहां से? मैंने कोशिश की, पर फैमिली में, फैमिली को ऐसे सिचुएशन में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मुझे उनके लिए रुकना पड़ा। वेरी गुड। देखो, और हिरनी जी, हमने आपको देखा बड़ी शौक से नाच रही थी बाबूजी, आप तो जरा भी डर नहीं लगा कि बाबूजी इतने बुजुर्ग और आप मतलब उनको ऐसे अजीब अवतार में देख? नहीं, पहले मैं शौक हो गई कि यार ये कौन सा अवतार है, लेकिन फिर मेरे अंदर का जो फिल्मीपन है ना वो मुझसे रहा नहीं गया और मैं फट से भाग गया और मैंने डांस करना शुरू कर दिया। रेडी है?